इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि इस दुनिया में हर इंसान की केवल शक्ल ही नहीं बल्कि उनकी सोच और उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब दो इंसानों में इतना फर्क पाया जाता है तो उनका ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होगा। अब ऐसा हो सकता है कि रिश्तेदारों और भाई भाई का ब्लड ग्रुप आपस में मैच कर जाए, लेकिन आमतौर पर लोगों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हम आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने की सलाह देने नहीं आए हैं, बल्कि आप ही के भले की जानकारी देने के लिए आए हैं। यकीनन इस जानकारी को देखने और जानने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम ब्लड ग्रुप की बात क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये पता होगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है तो इससे आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी बातों को जान सकते हैं, ऐसी जरूरी बातें जो आपके भविष्य को भी बचा सकती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि ए बी ए बी और ओ। ये चार ब्लड ग्रुप के प्रकार हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप वालों को भी स्पेसिफिक बीमारियां हो सकती हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी हैं वो बीमारियां। पहला, सबसे पहले हम ए ब्लड ग्रुप वालों की बात करते हैं और आपको बता दें कि इनकी फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा ये लोग ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का नशा करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्हें पेट दर्द और पेट में कैंसर होने का खतरा बाकी ब्लड ग्रुप वालों से ज़्यादा होता है। आपको ये भी बताते चलें कि इस ब्लड ग्रुप की महिलाएं ज़्यादा उम्र में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ इस ब्लड ग्रुप वाले लोग ज़्यादातर ओबेसिव कॉम्प्लेसिव डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इन खास बातों का ध्यान जरूर रखें। दूसरा, इसके बाद हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप वालों की। बता दें कि इन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा होता है, ऐसे में इन्हें अल्सर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इन्हें बुढ़ापे में दस्त लगना, अल्जाइमर और मेमोरी लॉस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आपको बताते चलें कि इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों के मसल्स भी आसानी से बन जाते हैं। तीसरा, वहीं अगर ब्लड ग्रुप ए बी वालों की बात करें तो इन लोगों को दिल की बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव समस्या, गैस्ट्रिक, कब्ज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी इन्हें हो सकती है। इसके साथ ही साथ इनको आँखों में भी समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए हो सके तो आप अपना ध्यान रखें। चौथा, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उन्हें हार्ट डिजीज और पेट की रोग की संभावना कम होती है, लेकिन इन लोगों पर अल्सर का प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इस ब्लड ग्रुप के पुरुष ओबेसिटी और महिलाएं बेबी कंसीव का शिकार बन सकती हैं। अब हमें उम्मीद है ये जानकारी भविष्य में आपके बहुत काम आएगी और इससे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद मिलेगा। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से विनीत राय की रिपोर्ट।